देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी थी। झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गोड्डा, चतरा, इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। बहुत ज़ोर से चर्चा थी कि आज घोषणा हो जाएगी, लेकिन कई अलग अलग स्टेट के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई, लेकिन झारखंड के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है, कहां पर पेच फंस रहा है, किसका नाम आगे है, किसका नाम पीछे है, किसका नाम 100% लगभग फाइनल हो गया है। कई ऐसे नाम हैं जो निकल कर सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। लगातार फॉलोअप के दर्शक फ़ोन कर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों विलंब हो रहा है, कौन आगे है, कौन पाला बदलने वाला है। इन्हीं मसलों पर बात करेंगे, साथ साथ जयराम महतो की पार्टी पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि उनकी जो पहले समिति थी JBKSS, अब JLKM जो उनकी पार्टी बन गई है, 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही कई तरह की चर्चा है। उम्मीदवारों के जिस तरह नाम सामने आए हैं उसको लेकर चर्चा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपके अंदर सबसे अधिक क्यूरियोसिटी है कि आज जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा थी उसमें आज फिर देरी क्यों हो गई, आज घोषणा क्यों नहीं हो पाया। पांडे जी, हर कोई नज़र लगा कर था और सोच रहा था कि आज धनबाद सहित तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, कांग्रेस कर देगी। JMM का भी एक सीट है, वो भी फंसा हुआ है, आखिर क्यों नहीं घोषणा हो पाई अब तक। देखिए, पहले तो CAC की जो बैठक हुई थी उसमें झारखंड के तमाम सीटों पर कांग्रेस के जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर वगैरह तमाम KCU वेणुगोपाल, ये लोग डिस्कशन कर लिए थे कि अब झारखंड पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद वहाँ से अधिकृत कर दिया गया था कि जिसको चाहेगी पार्टी जारी करते रहेगी। इस बीच बहुत परिस्थितियाँ बदली। JMM ने फिर से कहा कि भाई गोड्डा सीट हमको अगर आप लोग दे दें तो अच्छा रहेगा, तो वो एक टॉपिक उठ गया। उधर से गिरनाथ सिंह जो RJD ज्वाइन कर लिए हैं, अब उधर से उनका भी ये है RJD का भी कि आप इन्हीं को टिकट दीजिए, आप अपने दल में ज्वाइन करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल भी हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके की नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। बीच में ईद आ गया, कहानी थोड़ा ठंडा पड़ गया, प्रियंका जी अलग थी, राहुल जी अलग थे, तमाम लोग अलग थे। आज ये CSC की बैठक कल हुआ था, कल पोस्टपोन्ड हो गया झारखंड को लेकर। आज का था कि आज हो जाना है, आलमगीर आलम को आनन फानन में बोला गया कि अब दिल्ली पहुंचिए। तो ये माना जा रहा था कि आज की बैठक के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है स्वयं दिल्ली में, तो एक कोरम भी बनाना है कि भाई तमाम लोगों ने हर मुद्दों पे डिस्कशन किया। मतलब आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इसलिए घोषणा नहीं हो पाया। संजय, सिर्फ यही एक वजह है कि या फिर समीकरण ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, यही वजह है कि घोषणा अब तक नहीं हो पाई? नहीं, कुछ पेच जो है अभी बाकी है। हालांकि ये बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो आज नहीं थे, हालांकि बैठक हुई। बैठक में जो यहाँ आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और CEC के जो दूसरे लीडर्स हैं वो सारे लोग बैठे और एक यह तय कर लिया गया कि जो भी जिन नामों पे चर्चा हुई है और लगभग जो पहले भी, जैसा कि पांडे जी खुद बता ही रहे हैं कि पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उन नामों पे ही कुछ। चूंकि देखिए, एक जो सबसे बड़ी वजह जो आज की जो बैठक की रही वो ये बताया जा रहा है कि गोड्डा में जो सिचुएशंस जो क्रिएट हुआ, जिसमें पांडे जी जो बता रहे हैं कि एक तो ये रहा कि JMM चाह रहा है कि गोड्डा JMM को मिल जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है अब नहीं के बराबर है। कांग्रेस पार्टी ही वहाँ पे लड़ेगी और ये बात ऐसा ही जो इनपुट मिल रहे हैं सूत्रों के मुताबिक वो यही मिल रहा है। लेकिन गोड्डा क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों बैठक में आज इस पर जो मतलब चर्चा हुई बैठक में, वो प्रदीप यादव का जो एक जो मसला फिर से जो सामने आया है, हालांकि मामला पुराना है
और ये लगभग तय माना जा रहा था सनी, न केवल पार्टी के लोग बल्कि वो सारे दावेदार जो कांग्रेस पार्टी के भीतर थे वो भी ये मान करके बैठ गए थे कि अब प्रदीप यादव ही उम्मीदवार होंगे। अब भी उनके नाम को खारिज नहीं किया गया है 100%, लेकिन जिस तरीके से एक जो मामला जो उनसे जो जुड़ा हुआ है और वो मामला निशिकांत दुबे जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद जो कोर्ट में जो ट्रायल का जो मसला है, तो इसके बाद एक चर्चा हो रही है दिल्ली में कि क्या इस पे आगे बढ़ना चाहिए या फिर दूसरे नाम पे विचार करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट तो ऑलरेडी इनके पास कई सारे हैं, दावे अलग अलग तरीके से हो ही रहे हैं। तो एक चर्चा आज वहाँ को लेकर के हुई और दूसरी चर्चा जो गिरिनाथ सिंह को लेकर के, जो चतरा को लेकर के है, क्योंकि गिरिनाथ सिंह बीजेपी से आरजेडी गए, माना यही जा रहा था कि आरजेडी चतरा सीट पे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो पलामू सीट आरजेडी को मिला था, उसके बावजूद चतरा सीट पे जो है आरजेडी चुनाव लड़ा था और वो फ्रेंडली फाइट हुआ था, वहाँ से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया था। लेकिन इस बार वो परिस्थितियां पैदा नहीं हो, इसके लिए आरजेडी एक कदम पीछे लिया है और बाकायदा गिरिनाथ सिंह का जो संबंध है लालू प्रसाद यादव के साथ उसको और मजबूत बनाने के लिए लालू यादव ने एक कदम पीछे लेते हुए बाकायदा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उन्होंने खुद बातचीत की है और यह कोशिश हो रही है कि अगर गिरिनाथ सिंह को टिकट नहीं मिलता है आरजेडी के सिंबल पे तो उनको कांग्रेस के सिंबल पे लड़ाया जाए। और एक जो स्थानीय उम्मीदवार होने की जो बातचीत चल रही थी कि नहीं स्थानीय को ही देना है, चूँकि चतरा में आप भी और जो भी दर्शक अभी देख पा रहे हैं वो लगातार यह देखते होंगे कि बाहरी बनाम भीतरी का जो है एक माहौल जो चतरा में रहा और सुनील सिंह का टिकट कटना भी एक बड़ी वजह रही वो, और कालीचरण सिंह जिनको बनाया गया है उम्मीदवार बीजेपी ने एनडीए अलायंस ने, तो जो गिरिनाथ सिंह को लेकर के कहा जा रहा था कि वो भी बाहरी मतलब कि उस लोकसभा के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो सारे सवालों का जवाब भी तलाश लिया गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि गिरिनाथ सिंह पाकिंग के हैं, मूलतः वो पाकिंग के रहने वाले हैं और वो तरहसी जो इलाका है पाकिंग में वो उसी के आसपास के किसी गांव से हैं। तो ये जो स्थानीयता वाली जो बात है, स्थानीय उम्मीदवार वाली बात, चूँकि पाकी का जो इलाका है वो चतरा लोकसभा में आता है, तो वो स्थानीय वाला जो सवाल है वो भी वहाँ से केएन त्रिपाठी का भी नाम की नहीं, बिल्कुल नाम तो है ही, केएन त्रिपाठी का भी है, एक अरुण सिंह का भी है, लेकिन इन सब पर भारी अगर कोई पड़ रहे हैं तो गिरिनाथ सिंह ही है, क्योंकि गिरिनाथ सिंह के पीछे पैरवी कौन कर रहा है, गिरिनाथ सिंह के पीछे लालू प्रसाद यादव खुद पैरवी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद पैरवी कर रहे हैं। दूसरी बातचीत ये है कि गिरिनाथ सिंह कांग्रेस पार्टी का बगैर ज्वाइनिंग किए हुए जो है अब भी वो दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। 3 दिन पहले उनकी मुलाकात वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, उनसे भी हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो झारखंड प्रभारी हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, राजेश ठाकुर से भी फोन पर बात बता रहे हैं कि गोड्डा और चतरा दोनों सीट पर जिस तरह से मामला फंसा है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बोरो प्लेयर का जो है इंतजार किया जा रहा है, तो क्या सभी सीट पर यही समीकरण में फंसा हुआ है मामला? नहीं, ये दोनों सीट को आप क्लियर कीजिएगा तो बाकी सब क्लियर। अगर गोड्डा कांग्रेस लड़ेगी तो जमशेदपुर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, जमशेदपुर में कैंडिडेट बैठे हुए हैं जेएमएम के। कौन है कैंडिडेट? अरे कुणाल सारंगी हो गए, सुप्रियो सारंगी तो बीजेपी में है, कैसे जेएमएम? अरे अभी है बीजेपी में, यहाँ एक घंटे में एयरपोर्ट पे लोग बीजेपी का टिकट लेके उतरता है और शाम को कांग्रेस मतलब कांग्रेस का टिकट लेके उतरता है और बीजेपी में शाम को टिकट मिल जाता है, यही झारखंड है कहाँ लोग। इसका मतलब तब तो फिर जमशेदपुर का सीट भी बोरो के इंतजार में फंसा हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य भी हैं उनके जेएमएम के। अच्छा, सुप्रियो भट्टाचार्य भी हैं? हाँ, वो पार्टी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का नाम भी चल रहा है, समीकरण भी बैठा के देखा जा रहा है, बंगला भाषी क्षेत्र भी है, तो हर तरीके से चल रहा है। अब जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, अगर गिरिनाथ सिंह को मिला तब यहाँ पे अनुपमा सिंह का जो नाम चल रहा है उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि दो राजपूत हो जाएंगे तो वहाँ पे किसी भूमिहार कैटेगरी को उतारा जाएगा, तो उसमें आ जाते हैं राजेश ठाकुर, तो राजेश ठाकुर जी को सिंबल मिल सकता है, उनका भी नाम चर्चा है बहुत जोरों शोर से। अब रहा कि वहाँ पे महिला, उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर राजेश ठाकुर अब भी लड़ाई में हैं, भले ही वो इसको एक्सप्रेस नहीं करते से। हाँ, या फिर वो अपना नाम जो है उनके लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अब भी वो भी उस लड़ाई में हैं, लेकिन सबसे आगे अगर अभी देखा जाए तो वो अनुपमा सिंह ही हैं जो बेरमो विधायक की जो पत्नी हैं अनूप सिंह की, मतलब धनबाद सीट पर सबसे आगे अनुपमा सिंह हैं,
चतरा सीट पर सबसे आगे गिरिनाथ सिंह है, गोड्डा सीट पर कौन आ गया है? गोड्डा पे अब भी प्रदीप यादव ही यादव आ गए। आप चूंकि एक एक करके आप पूछ रहे हैं, रांची की जो सीट है मान करके चलिए कि सुबोध कांत सहाय ही उम्मीदवार होंगे, और ये लगभग कल अगर शाम में नहीं अनाउंसमेंट हुआ, चूंकि कल शाम तक अगर दोपहर तक आ जाते हैं, 3-4 बजे तक अगर आ जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली, तो हो सकता है कि देर रात तक जो है उसका अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन अगर उनके नाम की घोषणा नहीं होती है, किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा, तो ये मान करके चलिए कि 2-4 दिन, दो चार दिन में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, एक दिन के बाद जो है, यानी कि आज रविवार है, मंगलवार शाम तक जो है उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन क्या लड़ेगा। आप देखिए कि रांची से सुबोध कांत सहाय, चतरा से गिरिनाथ सिंह सबसे ऊपर हैं। अब कैंडिडेट तो जैसा बाबा बोल रहे हैं, और राजनीति संभावनाओं का ही विषय है, तो बदलने के लिए तो घंटे दो घंटे, यहाँ तो टिकट जिनको सुनील सोरेन को दुमका मिला उनका भी टिकट वापस ले लिया गया और सीता सोरेन को बनाया गया, तो संभावनाओं पे तो बातचीत कुछ भी हो सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा जो हालात हैं और जो दिल्ली की जो आज बैठक हुई उसमें जो सबसे ऊपर जो चल रहे हैं उसमें रांची से सुबोध कांत सहाय हैं, चतरा से गिरिनाथ सिंह हैं, हालांकि केन त्रिपाठी का नाम को भी खारिज नहीं किया जा सकते हैं, गोड्डा से प्रदीप यादव हैं, और धनबाद से अनुपमा सिंह हैं, और अगर विशेष परिस्थिति में अगर किसी भी कारण अगर टिकट कट जाता है, नहीं मिल पाता है, तो ही राजेश ठाकुर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि राजेश ठाकुर का जो नाम है वो विशेष परिस्थिति में इसलिए बोल रहे हैं कि वो उनका आप सफर देखिए तो वो बहुत ज्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीजों को लेकर के, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा, हाँ, वो नहीं, वो जो होगा वो अचानक से आपको पता चलेगा राजेश ठाकुर के बारे में, तो आपके साथ दो घंटा बैठ करके भी वो जो है वो जाहिर नहीं होने देंगे कि क्या चल रहा है। तो ठीक है, जो नाम गिनवा रहे हैं तो उसमें कोई संशोधन आपको लग रहा है कि करना है कि वही तय है? नहीं नहीं, अब भी कुछ भी तय नहीं है, दो दो नाम संभावित नाम बोल, हाँ दो दो नाम ही रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं तय, मैं कहां बोल रहा हूं, दो दो नाम, जैसे यहां से बन्ना गुप्ता का रखा जाएगा, सुबोध कांत सहाय का रखा जाएगा, वहां से केंद्र पर, यहां मैं बता रहा हूं सुबोध कांत सहाय के नाम को लेकर के, चूंकि इनका मामला थोड़ा लटक गया था, हम लोगों ने पहले खबर भी इस मामले में से संबंधित चलाई थी खबर, और बाद में ये हुआ कि प्रदेश स्तर से जो है एक चिट्ठी भी लिखा गया और बकायदा बोला गया कि भाई सुबोध कांत सहाय के अलावे दूसरा कोई बेहतर विकल्प नहीं है, मतलब अगर चुनाव के दृष्टिकोण से सुबोध जी की पैरवी स्टेट से बहुत दूसरे तरीके से की गई और उनके नाम पे लगभग सहमति बन गई है, और आप मान करके चलिए कि सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। वही पांडे जी दो संभावित नाम बोल रहे थे, हाँ आगे बोलिए। चतरा से केन त्रिपाठी, गिरनाथ सिंह बता रहे हैं, एक और वहाँ चतरा से नाम है, हाँ उनका चर्चा चल रहा है क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है इस वजह से भी, और उन्होंने प्रयास भी किया था, RJD में भी किया था, ये भी किया था, राजपूत हैं भी, इस वजह से आते हैं बिजनेस समाज तो, और वो कांग्रेस के ही हैं, RJD का आज तक ज्वाइन नहीं किया, सदस्यता अगर एक बार ली तो कांग्रेस का ही लिया था उन्होंने, तो ये हो गया। अब यहाँ पे गोड्डा में चल रहा है प्रदीप यादव वर्सेस दीपिका, अब ये तय होगा धनबाद के सीट से, अगर यहाँ पे महिला मिल गया तो वहाँ पे प्रदीप यादव को मिल जाएगा, दो महिला का अभी इस बार ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन तो राज परिवार के नाम की भी चर्चा है गोड्डा को लेकर, तो वो हो सकता है निर्दलीय लड़ जाएंगे, इसमें हो सकता है नहीं, मतलब इसमें कितना दम है प्रतिशत में, कहीं प्रतिशत में देखेंगे तो शामिल नहीं होंगे वो, 0% की कहीं शामिल नहीं हो रहे, जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगा वो कहीं शामिल नहीं होंगे, हाँ लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं वो निर्दलीय, ये इसकी कितनी संभावना है, तो इसकी 99% संभावना है, ठीक है, तो वो सब कुछ है टिकट के फॉर्मेट पे। इन सब के अलावा जमशेदपुर में एक और नाम है, हिडन नाम है, जिसको संभवतः नहीं होगा क्योंकि चर्चा नहीं हुई है उस तरीके का, जब सच चीज़ें सार्वजनिक हो जाती है तभी मीडिया पे कहने का ठीक रहता है, तो वो एक नाम है जिसको लास्ट, मतलब JMM की तरफ से कौन है वो है, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, सुप्रियो भट्टाचार्य, नहीं सुप्रियो का तो मैंने नाम लिया ना,
कुणाल सड़ंगी का मैंने नाम लिया, छुपा क्यों रहे हैं बताएं? क्योंकि उनका चर्चा सार्वजनिक नहीं है, अभी बस एक कान तक पहुंचे किसी के इन्फॉर्मेशन पे, तो किसी दूसरे दल का आदमी का नाम लेना उचित नहीं होगा। जब चर्चा सार्वजनिक हो जाए, 10 मुंह की बात हो जाए, तब उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। बड़ा नाम है? हाँ, नाम बड़ा है, जमशेदपुर से। हाँ, जमशेदपुर। कौन होगा संजय? देखिए, अब तक जो मेरे पास खबर है सनी, चर्चा तो पिछला 3 महीना से चल रहा है, अब भी आप चर्चा कीजिए, कल तक चर्चा कीजिए, जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हो जाए बोल दे फिर तब तक चर्चा कीजिए। हाँ, तो वो चर्चा और ये सब करते रहिए, लेकिन अभी जो सबसे आगे चल रहा है वो यही 4-5 नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चतरा से सुप्रियो भट्टाचार्य सबसे आगे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 4 विधायक हैं जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंदर, उस इलाके के अंदर से, उन चारों ने बाकायदा सहमति दिया है, बाकायदा उन्होंने यह मांग की है कि सुप्रियो भट्टाचार्य को कैंडिडेट बनाया जाए, और सुप्रियो भट्टाचार्य की भी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें, और उनसे जो बातें पूछी गई पार्टी के तरफ से, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो एक समीकरण है उसमें भी सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो दिख रहे हैं कि फिट बैठ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिए कि 17-18% जो है ये माना जाता है कि वहाँ पे बांग्ला भाषी समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे ट्राइबल हैं, बांग्ला भाषी और ट्राइबल समुदाय को अगर जोड़ देंगे तो आपको 40% से ऊपर के लोग हैं, और बाद बाकी अगर जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बाद बाकी जो और जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, तो इन सबको मिलाकर के फाइट देने की स्थिति में जो चीज़ें बन रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी पसंद हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, और ये बात हेमंत सोरेन तक चली गई है, और बाकायदा इस पर बातचीत हो रही है पिछले 20 दिनों से। सिर्फ एक जो डाउट है पार्टी के भीतर वो ये है कि सुप्रियो भट्टाचार्य ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हर रोज पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं, तो वो जो एक वो चले जाएंगे, वो जो एक गैप क्रिएट होगा अचानक से, ठीक है पार्टी के पास कई सारे लोग हैं, लेकिन वो गैप जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो एक भरा है, या फिर वो जो पोजीशन अपनी बनाई है जिस तरीके से वो पक्ष रखते हैं, कई पूरे देश दुनिया की खबरों पे ध्यान रखते हैं, पार्टी का एक लाइन उनको मालूम है किस लाइन से चलना है, तो उसको लेकर के एक द्वंद है हेमंत सोरेन के मन में। और अगर उस पर जैसे ही उस सवाल का जवाब उनको मन में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम पे जो है सहमति बन जाएगी। बाकी चर्चा में तो चूंकि कुणाल सारंगी वहाँ पे हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन वो संपर्क में हैं, कुणाल लाख सब बोलते रहे हैं, लेकिन कुणाल सारंगी संपर्क में हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ उनसे आवेदन भी मंगाया गया ज्वाइनिंग को लेकर के। तो फिर क्या हुआ? और अभी चीजें होल्ड हो गई है जिस तरीके को लेकर, हाँ, जैसा पांडे जी बोल रहे हैं, तो सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव भी हैं, प्रवक्ता हैं, जमशेदपुर में सबसे आगे अभी वही हैं। तो बिल्कुल देखिए, इंडिया गठबंधन में कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और ये बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर भी अपने कैंडिडेट के नाम पर मोहर नहीं लगा पा रही है। लेकिन झारखंड में पहली बार चुनावी मैदान में एक समिति जो पार्टी बन गई, JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसके बाद JLKM वो पार्टी बनी, जयराम महतो की पार्टी, वो 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। खुद जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, धनबाद से अभी कल ही नाम की घोषणा हुई इकलाक हंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, कोडरमा से मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, हजारीबाग से संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, रांची से देवेंद्रनाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, चतरा से एक उम्मीदवार हैं गुप्ता, उनको उम्मीदवार बनाया गया, दीपक गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सबसे पहले जो उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई थी वो सिंहभूम के उम्मीदवार थे दामोदर हांसदा, जो हो जनजाति से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। तो आप समझिए कि बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर उम्मीदवार को नहीं खोज पा रही है, तय नहीं कर पा रही है कि कौन होगा, लेकिन जयराम महतो लगातार उम्मीदवार उतार रहे हैं। पांडे जी, ये जो पहले जयराम महतो की तरफ से कहा गया था कि 4-5 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, अभी 8 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई, कितना समीकरण बिगाड़ पाएंगे ये नए चेहरे? नए चेहरे समीकरण बिगाड़ने में एक सिर्फ जयराम का मैं योगदान देखता हूँ कि उनके आने से चर्चा है,
समीकरण बनने और बिगड़ने की बातें हो रही है सभी दलों में, लेकिन बाकी किसी दूसरे नाम पे जो उनके उम्मीदवार हैं वो समीकरण बनाएंगे बिगाड़ेंगे ऐसी दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं है। सिर्फ जयराम की सीट जो है वो गिरिडीह, उनको लेकर चर्चा है क्योंकि वो पार्टी के अपने अध्यक्ष। मतलब जयराम गिरिडीह में समीकरण किसी का बना सकते हैं बिगाड़ सकते हैं या खुद का समीकरण अच्छा कर सकते हैं? नहीं, किसी का बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं ये चर्चा हो रही है। खुद का बना सकते हैं अभी ऐसी चर्चा नहीं है। हालांकि ये लोकसभा है, पार्टी की पहली मतलब यूं कहे कि तैयारी है और पहली बार पार्टी आ रही है चुनाव में, तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे अगर वो अपना प्रेजेंस शो कर देते हैं, अच्छा खासा शो कर देते हैं, तो उनके उम्मीदवार के भी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। क्योंकि झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा के समाप्ति के बाद, विलय के बाद, एक तो रास्ता बनता है कि जो स्थानीय पार्टी का और जो मतलब दोनों से बकायदा डिफरेंस बना के रखे, सामान्य दूरी, सत्ता में जो रहे और विपक्ष में जो रहे, तो ये तीसरा कोण का अभी भी यहाँ पे विकल्प है। तो उस विकल्प को अब कितना लोग पसंद करते हैं, जमशेदपुर में विकल्प को पसंद किया इसलिए वो सरयू राय वहाँ से जीते, पर ये लोकसभा में थोड़ा टफ होता है क्योंकि डेमोग्राफी बहुत बढ़िया होता है। विधानसभा में ज़्यादातर आप देखेंगे निर्दलीय जीतते हैं झारखंड में, और मतलब या एकाध जो छोटे दल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को तो उनके उम्मीदवार जीतते हैं, लेकिन लोकसभा में कोई चमत्कार इस तरीके का एक दो बार ही ऐसा हुआ है, बस एक नामधारी जीते हैं और नामधारी। हाँ, पर नामधारी क्यों जीते हैं? क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी बीजेपी टीम लग गई नामधारी को जिताने के। सत्यानंद भोक्ता उस दौरान बीजेपी में थे, वो बाकायदा 3 दिन आकर बीजेपी में धरना दिए, उसके बाद नामधारी के लिए खोल के कि वहाँ के पूरा जिला इकाई लग गई नामधारी जी को जिताने के लिए कि नहीं यही असल उम्मीदवार है। मधु कोड़ा को आप जानते हैं कि वो आए थे, उनके साथ तमाम लोग का नाम जो जुड़ता है वो लोग प्रचार कर रहे थे और वो मतलब ताज़ा ताज़ा मतलब यूँ कहे कि उभरे थे, क्योंकि उनको पहले तो टिकट जब बीजेपी का मधु कोड़ा ने काट दिया था उसके बाद से वो जिस तरीके से निर्दलीय जीत कर आए और फिर वो जो हुआ धीरे धीरे। पांडे जी बोल रहे हैं कि मतलब जयराम महतो की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अलादीन के चिराग से कोई वैसा कयामत टाइप से ही निकले तभी कमाल हो सकता है। आपको क्या लगता है ये जो 8 उम्मीदवार हैं उनमें से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी दूसरी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं? पहले तो कमाल पे आते हैं। पहला कमाल तो उन्होंने कर ही दिया है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ना केवल रांची में बल्कि पूरे झारखंड में जयराम महतो की एक्टिविटी और उनके जो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, हार जीत एक अलग बात है, चर्चा में तो वो लोग आ गए। हार जीत तो न एनडीए के कैंडिडेट को मालूम है न इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मालूम है कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दूसरी एक जो बातचीत आप जो बोल रहे थे शुरुआत में कि इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसी बात नहीं है, कैंडिडेट उनके पास ज़्यादा हैं और इस वजह से ये नहीं तय हो पा रहा है कि किसको दें, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगा, वो मसला है और वो कल या परसों तक जो है वो उसकी घोषणा। जयराम महतो की पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया जब इखलाक अंसारी को धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया तब यही चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, कई जो है उनके आलोचक समर्थक जो भी हों वो यही उन्होंने यही लिखा कि ढुल्लू महतो को अंदर अंदर सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया। तब मोतीलाल जो है उनके वरीय उपाध्यक्ष हैं उनके तरफ से बाकायदा ये बयान आया कि सामाजिक संरचना को या फिर जातिगत जो समीकरण है उसे देखते हुए वहाँ पर बनाया गया। आप देखिए एक एक उम्मीदवार को देखिएगा तो जयराम महतो खुद कुड़मी हैं, फिर यहाँ संजय मेहता को बनवाया गया वो मेहता है कुशवाहा हैं, फिर कोडरमा से बनाया गया मनोज यादव को ये यादव हैं, फिर यहाँ पर गुप्ता जी को बनाया गया चतरा से वो ओबीसी समाज हैं बनिया समाज से आते हैं, तो एक मुस्लिम के लिए जो है वो आदिवासी समाज से हो समाज से जो है वो बनाया गया, तो इस हिसाब से वो लोग समीकरण बनाकर ही सबके नाम की घोषणा कर रहे हैं। बनाना ही पड़ेगा, भले ही आप जब क्रांति के मोड में होते हैं, जब आप सड़क पे आंदोलन कर रहे होते हैं तो आप इन सारे सवालों को खारिज करके एक नया समाज बनाने की बात करते हैं, तो वो जयराम हो या फिर आने वाला कोई और जो नया जो आंदोलन करने वाला चेहरा जो भी बनेगा, तो इस तरीके की बातचीत अलग है। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं
तो आप एक पॉलिटिशियन की तरह ही आपको बिहेव करना पड़ेगा और समाज राजनीति से ही चलता है। तो जयराम महतो हर एक पहलू पे काम कर रहे हैं, और जहां तक आरोप की बात है धनबाद कैंडिडेट को लेकर के, तो सभी पार्टियों में आरोप लगता है। अब उनकी पार्टी के अंदरूनी फैसला है किसको वो टिकट देंगे नहीं देंगे, और एक चीज़ तो तय है कि किसी न किसी को तो बेनिफिट होना है, नुकसान होना है। अब जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जयराम महतो जीतेंगे हारेंगे वो तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन जो परसेप्शन जो बन रहा है, जो पांडे जी बोल रहे हैं, जो हम लोग सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर की जो लड़ाई है, खास करके चुनावी लड़ाई, उसमें आमने सामने की लड़ाई होती है। और अभी तो सबसे बड़ा जो मुद्दा क्या है, मुद्दा तो सारा गौन है, मुद्दा मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका जो व्यक्तित्व है उसके आसपास न कोई मुद्दा टिक रहा है और ना ही कोई वैसा चेहरा सामने आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो एक जो मोदी के साथ है, दूसरा जो मोदी के खिलाफ है, तो तीसरा व्यक्ति जो भी लड़ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क चल रहा है देश भर में। आप देखिए कि ओवैसी जो सांसद रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, और वो पूरे देश भर में चुनाव भी लड़ते हैं, कई राज्यों में उनके एमएलए वगैरह भी हैं, लेकिन तब भी उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल होता है कि वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लगता है, बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है और आरोप उन पर लगता है। तो अभी चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, तो ना केवल धनबाद में बल्कि ये आरोप जयराम महतो पे भी लग रहा है कि वो किसको बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या फिर किसका नुकसान कराना चाहते हैं। तो ये सब तो राजनीति में लगेगा, और जयराम महतो कोई भगवान तो है नहीं, वो आंदोलन कर रहे थे और अब एक नेता हैं, तो कौन है जो यहाँ सवालों से ऊपर है? इस देश में सवाल से ऊपर कोई है क्या? सवाल तो भगवान पर भी, भगवान से भी होता है। तो अगर उनसे भी जुड़ा हुआ सवाल है तो उन सवालों से उनको तो गुजरना ही होगा, और ये तो उनकी शुरुआत है। हाँ, एक चीज स्पष्ट है कि उनकी कमाल ये है कि अभी पहली बार उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला लिया और 8 कैंडिडेट वो जो है चुनावी मैदान में उतार भी चुके हैं, उतारने का हिम्मत किए और वो चुनाव लड़ता हुआ दिख भी रहा है। आप देखिए कि जयराम महतो, हाँ जयराम महतो की सभाओं में भीड़ भी लग रही है, भीड़ जुट रही है। आप संजय मेहता जो हजारीबाग से जो कैंडिडेट हैं, उनकी सभाओं में भी भीड़ लग रही है, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप वो देखिए लोग मिल रहे हैं। वोट क्या आएगा, हार जीत होगा नहीं होगा, चुनाव परिणाम क्या आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन चर्चा तो इन इलाकों में है, और ख़ास करके इधर आप हजारीबाग, धनबाद, आप यहाँ चले जाएँ गिरिडीह, तो इन इलाकों में एक चर्चा तो है, और उसका असर क्या होगा चुनाव परिणाम के दिन, चूंकि वही सारे लोग हैं जो कल तक एनडीए के लिए थे, कल तक इंडिया अलायंस के लोग नेताओं के लिए थे, उन्हीं में से ना कोई नया, तो जयराम महतो ने तो कोई नया एक आदमी तो कहीं से उठा करके लाए नहीं है, वो लोग हैं उनके साथ जो पहले किसी और के साथ थे, तो अब वो कितना टिकते हैं मतदान के साथ जाते नहीं भी थे, कुछ स्टूडेंट भी हैं जो स्टूडेंट की भी लड़ाई लड़ रहे थे वे लोग भी हैं। तो जिस मकसद के साथ पांडे जी जयराम महतो अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं लगातार, मकसद तो यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले मैदान को मजबूत कर लिया जाए। तो उस मकसद में आपके अनुसार अगर चुनाव में जीतने की स्थिति में अगर नहीं है तो क्या उस मकसद में ये लोग पूरा हो पाएंगे? वो तो परिणाम तय करेगा। नहीं, परिणाम तो वो तो जीत हार तय करेगा। नहीं, अच्छा, इसमें भी परिणाम तय करेगा लोग, कितना वोट आया। हाँ, लोकसभा का परिणाम जयराम महतो की पार्टी का ये तय कर देगा कि उनके विधानसभा में उम्मीदवारों की क्या हालत रहेगी। ठीक मतलब है, क्या परिणाम आएगा तो लगेगा कि ठीक है, वो प्रजेंस दिख जाता है। अच्छा, मतलब लाखों में अगर वोट आए। हाँ, आराम से अगर 1,00,000 वोट लेकर आते हैं जयराम महतो आमने सामने के टक्कर के बावजूद, तो आप मान के चलिए कि जयराम महतो फ्यूचर के नेता हैं, फ्यूचर मतलब के माने भी वोट मतलब आपके अनुसार लाना मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ले आया अगर तो, हाँ तो आराम से वो फ्यूचर के माननीय हैं, इसमें कहीं कोई शक किंतु परंतु यद्यपि नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कभी समय खराब हुआ उनका, तो उन समय लग जाएगा, और समय ठीक रहा तो हो सकता है जल्दी हो जाएगा। बस यही है। तो जयराम के अलावा और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, देवेंद्र महतो, संजय मेहता, मनोज यादव, ये लोग कितना वोट लाएंगे तो खुद को स्थापित कर पाएंगे? अगर ये लोग 50,000 भी वोट लाएंगे तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के नज़र में रहेंगे।
नहीं, मुझे लगता है कि ये चर्चा करना उन लोगों के लिए जो है सही नहीं है, आप उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। कितना वोट लाएंगे वो जनता तय करेगी, लोकसभा में ही क्या होगा पब्लिक को तय करना है ना, आप अभी से कैसे तय कर सकते हैं या फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जो भी लोग लड़ रहे हैं वो तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो अब परिणाम तक इंतजार कीजिए, तब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो देखिए, परिणाम के बाद बहुत कुछ तय होगा, और जिस तरह से खास करके जयराम महतो की पार्टी लगातार एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रही है मैदान में, और यही वजह है कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि दूसरी तरफ एक खेमा है जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में लगातार देरी कर रहा है, और दूसरी तरफ से लगातार उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। तो फिर से जिससे शुरू किए थे उसी मसले पर आते हैं, और एक एक सवाल पांडे जी और संजय जी से लेते हैं। पांडे जी, अब ये बताइए कि कब तक ये घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवार जितने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है? उम्मीदवार तो संभवतः कल हो जाएगा, तो परसों तक सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन फर्स्ट पोल जब हो जाएगा झारखंड में, उसके बाद भी कुछ नेताओं का इधर उधर पाला बदलने का शुरू रहेगा, तो 23-24 तक भी मान सकते हैं कि नेता इधर उधर जाते रहे। वो तो ठीक है, ये घोषणा जो उम्मीदवारों वो कब तक, कल हो जाएगा? कल संभवतः हो जाना चाहिए कांग्रेस का, और परसों जेएमएम का, या कल ही जेएमएम का भी हो जाए। हाँ संजय, कल ही हो जाएगा, कल शाम तक या मंगलवार तक, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर कल मल्लिकार्जुन खड़गे अगर 4-5 बजे तक आ जाते हैं तो देर रात तक हो सकता है कि जारी हो जाए, और नहीं तो फिर मंगलवार तक मान करके चलिए, यही इनपुट है अब तक की। अब आखिरी में तो हम लोग तो हस्ताक्षर हम लोगों का तो होना नहीं है, हम लोग तो तय करने वाले हैं नहीं, तो जो खबरें आ रही हैं, चूँकि पब्लिक जो हमारे दर्शक हैं जो ये भरोसा करते हैं फॉलोअप पे, वो लोग बार बार बोल रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग लाइव आए हैं। चर्चा जो था 4-5 नामों का, जमशेदपुर जो एकमात्र सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में है, सुप्रियो भट्टाचार्य सबसे आगे हैं। चर्चा के लिए तो और भी नाम आस्तिक महतो हैं, कुणाल सारंगी हैं, और जैसा कि पांडे जी बोल नहीं रहे, अब एक और नाम की बात कर रहे हैं, तब वो कौन है उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। तो ये 3 नाम हैं, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य सबसे ऊपर हैं, और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सोरेन फैमिली के भी करीबी हैं। दूसरा रांची से सुबोध कांसा है, सबसे ऊपर हैं। चतरा, अगर गिरिनाथ सिंह का नाम किसी भी परिस्थिति में अगर कट जाता है तो फिर केन त्रिपाठी होंगे, तो इसके अलावा फिर आप यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में था कि अगर गिरिनाथ सिंह को टिकट मिलता है तो क्या फिर धनबाद में भी किसी, चूँकि जाति समीकरण के आधार पर राजपूत को टिकट मिले? नहीं, तो वैसे जाति समीकरण के आधार पे आपको लगता है कि सारे जातियों को टिकट मिल सकता है? वो महिला फैक्टर, लेकिन दो महिला एक फैक्टर है, इसलिए वहाँ पे अनुपमा सिंह सबसे आगे हैं, और अभी भी केएन त्रिपाठी चूँकि हैं चर्चा में, अभी भी उनका मतलब खारिज आप नहीं कर सकते हैं, चूँकि गिरिनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और गिरिनाथ सिंह आरजेडी में हैं, लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं, अब वो किस हद तक चाहते हैं, कैसा वो प्रयास कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दो नाम यहाँ से भी आप ले करके चलिए, गोड्डा से प्रदीप यादव 99% मतलब तय हैं, अब एक मिरेकल हो जाए, जैसा कि राज पालीवार का नाम बीच बीच में आते रहता है, आज ही एक खबर आई कि वो दिल्ली में है, लेकिन पांडे जी ने बातचीत की राज पालीवार जी से तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई वो मधुपुर में है, तो परिस्थितियां हैं। हाँ, एक चीज़ है, इन सारे चीज़ों के बीच पहले मैं ये बता देता हूँ, ये तो गोड्डा की हो गई बातचीत, चतरा की मैंने बता दिया, रांची का भी बता दिया, जमशेदपुर का भी, धनबाद में अनुपमा सिंह सबसे ऊपर हैं, और उनके बाद अगर कोई वहाँ भी मिरेकल हो जाए और अनुपमा सिंह का नाम कट जाता है तो फिर राजेश ठाकुर, मतलब अगर हो सकते हैं तो कोई चमत्कार जैसा नहीं होगा। लेकिन अब इन सारे चीज़ों को एक लाइन में जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर किनारे कर दिया जाए तो 3 ऐसे नाम हो गए हैं जो हैं तो बीजेपी में, मतलब एक पैर बीजेपी में है और दूसरा पैर जो है उनका इंडिया अलायंस में दिख रहा है, भले ही वो लोग खारिज कर रहे हैं लेकिन संपर्क में हैं। अब इन तीनों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग क्वेश्चनेबल तो हो गए हैं। कौन बीजेपी के भीतर? राज पालीवाल ही ले लें, रविंदर पांडे, कुणाल सारंगी, ये तीनों जो है क्वेश्चनेबल हो गए हैं, बीजेपी के भीतर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है नहीं देती है वो तो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, परसों तक तो क्लियर हो ही जाना है। तो बिल्कुल, कल और परसों तक का समय है, और ये इसी तरह की चर्चाएं लगातार
होते रहेगी, अलग अलग सीट पर अलग अलग लोगों के नाम की चर्चा खास करके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा होती है और बताया जाता है कि रेस में वो सबसे आगे हैं, हर कोई खुद को रेस में आगे बताने में लगा है, लेकिन रेस में आगे कौन है वो तभी फाइनल हो पाएगा जब टिकट के, जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो बस इंतज़ार कीजिए, एक दिन और, कल बहुत सी तस्वीरें साफ होने वाली है। शुक्रिया।